दोस्तों आज ही सोशल मीडिया के जमाने में आए दिन कुछ ना कुछ वायरल होते रहता है। जैसा कि हाल ही में आपने इंटरनेट पर ये वाला वीडियो को तो देखा ही होगा। अरे क्या करें, सबकी आती नहीं, हमें इच्छा आती नहीं, छोटी बच्ची हो क्या? या फिर इस वीडियो को भी देखा होगा। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पांच ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो अपने एक गानों से सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हुए हैं और आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सो ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन पांच लोग हैं जो एक गाना गाकर रातों रात फेमस हुए हैं तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सो चलिए देर ना करते हुए आज की इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। नंबर 5, भुवन बाद्याकर। दोस्तों भुवन बाद्याकर वेस्ट बंगाल के बीरभूम जिले के एक छोटे से गांव कुरलाजुरी से बिलोंग करते हैं। ये अपने इस कच्चा बादाम वाले वीडियो से रातों रात वायरल हुए थे। बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम आई होप कि आप इनका ये कच्चा बादाम वाला गाना तो जरूर सुने होंगे, भले ही आपको कुछ समझ आया हो या नहीं। दरअसल भुवन एक बहुत ही गरीब घर से हैं और अपना रोजी रोटी चलाने के लिए अपने गांव के आसपास में मूंगफली यानी कि इनकी अपने भाषा में कच्चा बादाम घूम घूम कर बेचा करते हैं और बेचते समय अपने इस गाने को खूब गाते हैं। एक दिन भुवन अपने गाँव के बगल वाले गाँव में कच्चा बादाम बेच रहे थे और उसी टाइम अपने इस गाने को गा रहे थे, तभी वहीं के किसी व्यक्ति ने इनके इस गाने का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अपलोड करने के बाद इनका ये वीडियो इतना तेजी से वायरल हुआ कि इंडिया के हर एक बच्चे से लेकर बड़ों तक इनके इस वीडियो को देखना खूब पसंद कर रहे थे और हर सोशल मीडिया ऐप पर इनके इस वीडियो को जमकर शेयर भी किया जा रहा था। भुवन का कच्चा बादाम गाना इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि इंस्टा पर जो भी इनके गाने पर वीडियो बनाते थे उनके वीडियो पर लाखों में व्यू मिलते थे और कई लोग इनके इस गाने से सोशल मीडिया पर पॉपुलर भी हुए थे। इसके बाद भुवन बाद्याकर रातों रात फेमस होते चले गए और इनसे मिलने के लिए इंडिया के बड़े बड़े यूट्यूबर इनके घर भी गए और कई लोगों ने इनका काफी मदद भी किया, जिसके बाद भुवन को कई वीडियो में काम करने का ऑफर मिला और इन्होंने किया भी। नंबर 4, रानू मंडल। दोस्तों रानू मंडल भी अपने एक गानों से रातों रात वायरल होने वाले लोगों के लिस्ट में शुमार है। दरअसल पहले रेलवे स्टेशन पर बैठकर गाना गाती थी और उसके बदले लोग इनको 5-10 रुपए देते थे। दोस्तों वहां पर आते जाते लोगों में से किसी को इनके इस गाने का लय और आवाज काफी अच्छा लगा, फिर किसी ने इनके इस वीडियो को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। फिर होना क्या था, लोगों को इनका आवाज काफी बढ़िया लगा और इनके इस वीडियो को लोगों ने जमकर शेयर किया। तब इनके ऊपर नजर बॉलीवुड के काफी जाने माने सिंगर एंड एक्टर हिमेश रेशमिया का पड़ा। फिर इनको अपने मूवी के नए सॉन्ग तेरी मेरी कहानी गाने में गाने का मौका दिया और जब यह गाना रिलीज हुआ तो लोगों को बहुत ही पसंद आया। इसके बाद इनको और भी कई सारे गाना में गाने का मौका दिया गया। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जब किसी के पास पैसे ना हो और उसके पास कुछ पैसे आ जाए तो अपने सिवा किसी को समझता ही नहीं है, और रानू मंडल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब इनको थोड़ा पॉपुलैरिटी मिल गई तब ये लगी अपना घमंड दिखाने, फिर लोगों ने इनको पसंद करना बंद कर दिया और ये जैसे पहले थी अब उसी हालत में आ गई है। इनको अब न ही किसी गाने में या फिर न ही किसी वीडियो में काम करने के लिए बुलाया जाता है। नंबर 3, अभिलाषा पांडा। दोस्तों हाल ही में आपने हड़ा हड़ा शंभू गाना तो जरूर सुना होगा जो कि सावन के महीने में खूब वायरल हुआ था। आपको बता दें कि इस गाना को रिलीज हुआ अभी मात्र 3 महीना हुआ है और 3 महीने में इस गाने ने 100 मिलियन से ज्यादा व्यू कंप्लीट कर लिया है। इस गाना को लिखे है जीतू शर्मा ने जबकि इसे गाई हुई है अभिलाषा पांडा ने। आपको बता दें कि अभिलाषा पांडा उड़ीसा की रहने वाली है और इस गाने के अलावा और भी कई सारे गानों को गाई हुई है, लेकिन कहा जाता है ना कि किस्मत कब और कैसे बदल जाए कोई नहीं जानता, और ऐसा ही कुछ हुआ इनके साथ भी। जब इन्होंने हड़ा हड़ा शंभू गाना को गाई तो इनकी आवाज लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि लोग इनके इस गानों को एक बार नहीं बल्कि कई कई बार सुनने लगे और अभिलाषा पांडा रातों रात फेमस होती चली गई। आप देखिए इनके इस वीडियो को। नंबर 2, फरमानी नाज। दोस्तों फरमानी नाज भी हरा हरा शंभू गाना से रातों रात वायरल हुई है। हर हर शंभू शंभू शंभू
अब आप सोच रहे होंगे कि इस गाना से रातों रात वायरल कैसे हुई है, जबकि ये गाना तो अभिलाषा पांडा और जीतू शर्मा ने गाए थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इस गाने को अभिलाषा पांडा और जीतू शर्मा ने गाए थे, बाद में इस गाने को फरमानी नाज ने गाई थी। जब इस गाने को लेकर कंट्रोवर्सी हुआ तो फरमानी नाज फेमस होने लगी। दरअसल फरमानी नाज का कहना था कि मेरा गाना है और इसे सबसे पहले हम गाए थे, लेकिन किसी कारणवश यूट्यूब ने हमारे इस गाने को डिलीट कर दिया था। तब जाकर ये लोग इस गाने को गाए तो हम फिर से अपने इस गाने को री अपलोड किए हैं। वहीं जीतू शर्मा का कहना था कि ये मेरा गाना है और इस गाने को लिखने के लिए हमने काफी मेहनत की है, कई दिन लग गए हैं मुझे इस गाने को लिखने में। और जब फरमानी ने इस गाने को गाई तब एक क्रेडिट तक नहीं दी और ऊपर से बोल रही है कि मेरा गाना है। दोस्तों जब इन दोनों लोगों के बीच कंट्रोवर्सी हुआ तब जाकर पता चला कि असली में ये गाना जीतू शर्मा का ही है और सबसे पहले इस गाने को अभिलाषा पांडा और जीतू शर्मा नहीं गाए थे। उसके बाद यूट्यूब ने फरमानी नाज के गाना को कॉपी समझकर अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया। चलिए हम आपको दिखाते हैं इनका हर हर शंभू गाना। नंबर वन, सहदेव दिर्दो। दोस्तों एक गाना गाकर रातों रात वायरल होने वाले लोगों की बात चल रही हो और उस लिस्ट में बचपन के प्यार गाना को गाने वाले सहदेव को शामिल न करे, ये तो हो नहीं सकता। इसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद इसको इंडिया में हर एक बच्चे से लेकर बड़ों तक देखना खूब पसंद कर रहे थे। आपको बताते चले कि ये बच्चा बिलोंग करता है छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के एक छोटे से गांव उर्मापाल से और इसका नाम सहदेव दिर्दो है। सहदेव जब अपने गाँव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे उसी दौरान इनके टीचर ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। ये वीडियो उस समय तो वायरल नहीं हुआ, लेकिन दो साल बाद ये वीडियो इतना तेजी से वायरल हुआ कि हर एक बच्चे से लेकर बड़ों तक इनके इस वीडियो को देखना काफी पसंद कर रहे थे। तब इनके ऊपर नजर रैपर और सिंगर बादशाह का पड़ा, फिर सहदेव को अपने गाने में काम करने का मौका दिया और आज के समय में इनके उस गाने पर 450 मिलियन से ज्यादा व्यू है। तो दोस्तों यही थे एक गाना गाकर रातों रात वायरल होने वाले पांच लोग। वैसे इनमें से आपको किनका गाना ज्यादा पसंद आया कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।